तो ये है हमारी हेलमेट जो मैंने बैंकॉक से खरीदा था, और हम अभी एक राइड का प्लान कर रहे हैं, लंबी राइड का, और हमको देखना भी है कि ये परफॉर्म कैसे करता है। इसमें हमने माइक लगा दिया है, तो गाइस मैं बात करते रहूँगा, कुछ भी फालतू भाई बात कर सकता हूँ, क्योंकि कि अगर राइडिंग गियर पहन के अगर मैं घर पे ऑफिस जाऊँगा, लोग बोलेंगे यार ये कोई एस्ट्रोनॉट आ गया क्या। हेलमेट इसमें ना काफ़ी इंसुलेशन है, मतलब बाहर की हॉर्न्स वगैरह या हल्का सा जो बज है इंजन का, बाजू की गाड़ियों का, उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ आता नहीं है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं राइड पे निकला हूँ, तो नहीं भाई, मैं राइड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और ऑफिस जाने के टाइम पे वीडियो शूट करने की वजह ये है, ये है हमारा नया सेटअप। तो ये है हमारी हेलमेट जो मैंने बैंकॉक से ख़रीदा था, ये अपना एक्शन कैमरा है जिसको मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये नया हेलमेट है। और हम अभी एक राइड का प्लान कर रहे हैं, लंबी राइड का, तो इसका ब्रेक इन पीरियड चल रहा है, और हमको देखना भी है कि ये परफॉर्म कैसे करता है। इसमें हमने माइक लगा दिया है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी होती है वो भी देखना है, कैमरे का एंगल कैसा है वो भी देखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम है चकनाके पे, और सुबह के बज रहे हैं 9:30, और चकनाके नज़दीक है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑफिस। वैसे तो दूसरा भी रास्ता है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से लंबे वाले जा रहा हूँ ताकि टेस्टिंग कर सकूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस उम्मीद करता हूँ रहिए सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने सेट तो सब सही किया था। और अभी ये वाइज़र खुला है, तो थोड़ी देर हम लोग खुले वाइज़र में रिकॉर्ड करेंगे ताकि पता चले आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है। और उसके बाद जैसे ही हम अभी हाईवे टच करेंगे, तो मैं वाइज़र बंद कर दूँगा, और तब तक थोड़ी ठंडी हवा भी जाएगी, क्योंकि वैसे तो अभी चल रहा है नवंबर, लेकिन मुंबई में नवंबर हो या दिसंबर हो, गर्मी वैसे ही रहती है, बस रात को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्लाइमेट, और सुबह को और अच्छा हो जाता है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, दैट इज़ ईस्टर्न एक्सेस हाईवे। थोड़ा मैं हेलमेट सेट करता हूँ बराबर। ये मेरा पहला वाला सबसे पहला मॉड्यूलर हेलमेट है, इसके पहले मैंने मॉड्यूलर हेलमेट कभी इस्तेमाल किया नहीं, तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा समय जाएगा। और जैसे मैं कह रहा था कि अभी ये हेलमेट का ब्रेक पीरियड चल रहा है, लंबी राइड की प्लानिंग है, तो उसके पहले ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीधा नया हेलमेट पहन के लंबा निकलोगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस मैं बात करते रहूँगा, कुछ भी फालतू भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मैं बात करूँगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलो हाईवे टच किया है, अब मैं वाइज़र बंद करता हूँ। और अभी हमारा स्पीड है 30, 38, 40। इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, थोड़ी देर में मैं और अपना स्पीड बढ़ाऊँगा ताकि हमको पूरा अंदाज़ा हो कि एग्जैक्टली आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि अभी हम टेस्टिंग करेंगे, तो जब भी हम निकलेंगे ये हेलमेट पहन के अगली बार, तो हमको पूरा अंदाज़ा रहेगा कौन सी स्पीड पे कितनी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। अगर रिकॉर्ड करना है तो हम हमारा स्पीड थोड़ा कम करेंगे अगली बार। तो बस ये अभी हम चकना का क्रॉस कर रहे हैं। मेरे ऑफिस जाने के लिए दूसरा भी रास्ता है जो काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से, अराउंड 3.5-4 किलोमीटर है। उसके बावजूद अभी हम 7-7.5 किलोमीटर जा करके जा रहे हैं। ऊपर से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं नीचे से जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ राइडिंग गियर वगैरह कुछ नहीं पहने, बस ऐसे ही निकला हूँ, कि अगर राइडिंग गियर पहन के अगर मैं घर पे ऑफिस जाऊँगा, लोग बोलेंगे यार ये कोई एस्ट्रोनॉट आ गया क्या। मतलब इनफैक्ट अभी तो वैसे भी अभी लोगों को आदत हो चुकी है राइडिंग गियर देखने की, लेकिन एक टाइम था कि अगर आप राइडिंग गियर पहन के निकलते थे तो रास्ते में जितने लोग हैं बस ऐसे एकदम आपकी तरफ देखते देखते रहते थे। तो ओके, तो चलो अभी हम हमारा स्पीड बढ़ा रहे हैं,
आप मुझे बता दीजिए। इनफैक्ट मैं खुद टेस्ट कर लूँगा आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन आप कमेंट करके भी बता सकते हैं क्योंकि इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। वी आर 90 नाउ, 100 नहीं टच कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम राइट लेंगे, सॉरी यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे, तो दैट गोज़ टू दी एरोली ब्रिज। ये मुलुंड एरोली ब्रिज है। अरे चलो सिग्नल चल रहा है, जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि सिग्नल बंद हो जाएगा, फिर काफ़ी बड़ा सिग्नल है ये, बहुत देर रुकना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि इसको डी लॉग में शूट करूं और बाद में फिर उसको एडिटिंग के टाइम पे कलर्स ऐड कर दूंगा, लेकिन निकलने के पहले मैं वो डी लॉग में डालना भूल गया, तो अभी ये नॉर्मल कलर है। और हमारा जो माइक है DJI-2 ये अभी कनेक्टेड है और उसकी अभी इसकी रिकॉर्डिंग 32 बिट फ्लोट में हो रही है, तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि ये भी हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पहली बार कर रहे हैं। एक तो नया हेलमेट की टेस्टिंग, नया हेलमेट पे नया कैमरा की टेस्टिंग, नए हेलमेट में माइक की जो सेटिंग हुई है उसकी टेस्टिंग, और 32 बिट फ्लोट में वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें पहली बार हम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे अगर आप चाहते हो तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे एक्शन 5 पे, फिर DJI Mic 2 पे। और ये जो हेलमेट है ये मैंने बैंकॉक से ख़रीदा था। ये वाला ख़रीदने की वजह है कि ये आगे यहाँ पे एक फ्लैप है, तो हम जब ये टूरिंग पे जाते हैं, अभी धूप काफ़ी है लेकिन मेरे मुंह पे धूप नहीं आ रही है, मतलब नहीं तो यूजुअली ऐसे होता है कि ये धूप आती है पूरे मुंह पे लग जाती है और दिक्कत हो जाती है काफ़ी, लेकिन अभी वो नहीं है। तो चलो अभी हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ अभी कैसे अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने कहा कि हर बार हमको जब भी कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ बात करनी है, तो मैं स्पीड कम करके स्पीड कम करके बात करूँगा। वैसे माइक है, ऐसे भी माइक है जो इसको हाई स्पीड पे भी अच्छा खासा वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अभी वो बजट है नहीं हमारा, काफ़ी खर्चा हो चुका है दोस्तों। और आपको तो मालूम है, मतलब जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको तो मालूम है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। आमदनी अटनी खर्चा रुपया भी नहीं है, खर्चा तो बहुत ज़्यादा है उससे। तो वो जो देख रहे हैं आप, ये नया ब्रिज बन रहा है जो एरोली से, मतलब डोंबली जाने वालों के लिए काफ़ी आसानी होगी इसके वजह से, क्योंकि ये सीधा जो सामने पहाड़ है उसके अंदर से ये जाने वाला है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है। आगे जाके मतलब अच्छा खासा काम हो चुका है इसका, लेकिन आगे इसका काम अभी भी बाकी है। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं मुंबई में। अगर आप मुंबई से हो तो आपको मालूम ही रहेगा, अगर मुंबई से भी नहीं हो तो काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम वाले आप न्यूज़ में पढ़ते रहोगे। जैसे अटल सेतु है जो इंडिया का सबसे पहला समुद्र से रास्ता है, दूसरा जो है कोस्टल रोड है जो पहला रोड है जो समुद्र के नीचे से जाता है। चलो गाइस हम एरोली में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे जाके मुझे लेफ्ट लेना है अपने ऑफिस के लिए। हेलमेट ये काफ़ी भारी है, मतलब पहले वाले मेरे जो हेलमेट थे वो 1450 मतलब 1450 ग्राम के हुआ करते थे, और ये मेरा पहला हेलमेट है जो उससे ज़्यादा है, दिस इज 1600 ग्राम्स। तो थोड़ा मुझे भारी तो लग रहा है क्योंकि पिछले दो दिनों से मैं ये हेलमेट अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ और वेट मुझे फील होता है, तो
मुझे लगता है कि काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो चुका अभी तक और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से आगे आप बस नज़ारे देखो, मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये रोड काफ़ी खूबसूरत है जो मेरे ऑफिस जाता है। तो ये यहाँ पे मैंग्रोव है और मेरा घर एग्जैक्टली उस तरफ है, मतलब ये बीच में ये खाड़ी है और उस तरफ मेरा घर पड़ता है। मेरे घर से ऑफिस दिखता है और ऑफिस से मेरा घर दिखता है ऊपर से। तो ये वो ब्रिज है जो घूम के जाने वाला है और ये सीधा ये सामने पहाड़ के अंदर घुसेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि वज़न काफ़ी हो चुका है और मेरा सेटअप जो है ये आगे का जिसपे कैमरा माउंट है वो भी एल्यूमिनियम का है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी चेंज करें और प्लास्टिक वाला सेटअप लगाए ताकि जो भी है 50-100 ग्राम कम होने वो भी हो जाएंगे और हमें आसानी रहेगी। चलो सिटी में आप अगर चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, और ये हेलमेट तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, सिटी के लिए मेरे पास दूसरे हेलमेट पड़े हैं, तो अभी ये मिला के टोटल 6 हेलमेट हो चुके हैं मेरे पास। उसमें से 2-3 तो बेसिक है और 2-3 मैंने स्पेशली बाद में ख़रीदे। हेलमेट इसमें ना काफ़ी इंसुलेशन है, मतलब बाहर की हॉर्न्स वगैरह या हल्के ऐसा जो बज है इंजन का बाजू की गाड़ियों का उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी होती रहेगी। तो बस अपना ऑफिस आ गया, आगे जाके मेरे को यू टर्न मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से राइट बंद है। ये गाड़ी का एक फ़ायदा है, आपको है ना ज़्यादा स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकल जाते हो स्पीड ब्रेकर से। तो चलो गाइस कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि अभी मेरे को कैमरा उतारना पड़ेगा। हमारा ऑफिस SEZ है तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो फालतू में उनसे डिबेट करने से अच्छा है ऑफिस में एंटर करने के पहले ही मैं उसको उतार देता हूँ।